हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? तो आज बना रही हूँ मसूर की दाल की खिचड़ी, जिसमें मैंने आधा प्याला मसूर की दाल ली और आधा प्याला चावल लिए, जिनको मैंने भिगो दिया था। और उसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें ये है ऑयल, तकरीबन आधा कप मैंने ऑयल लिया है। और इसमें और जो बघार के लिए चीज़ें जाएंगी उसमें ये है 10-12 जो है काली मिर्चें हैं, एक दालचीनी है, एक बड़ी इलायची है, एक बादियान है, और ये 1 चम्मच जीरा है और 1 चम्मच नमक है। तो पतीली हमारी जो है गरम हो गई है, ये मैंने ऑयल जो है हमारा गरम हो गया, और उसमें ये सारी चीज़ें मैं डाल रही हूँ, जीरा, नमक और जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे वो सब डाल रही हूँ, नमक समेत। इसको थोड़ा सा हम यूँ सौते करेंगे, थोड़ा सा जीरा जो है हमारा थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, तो इसमें मैं ये जो हमने दाल और चावल भिगोए थे वो मैं डाल दूँगी। तो मैं ये पानी डालूँगी, तकरीबन मैंने 2 गिलास पानी डाला है कि दाल और चावल जो अच्छे से पक जाएं। तो ये मुझे बस एक सादी सी खिचड़ी बनानी है। वैसे तो खिचड़ी बहुत से तरीकों की खिचड़ी है, और अभी हम इसको पकने देंगे। तो खिचड़ी जो है हमारी तकरीबन तैयार हो गई है, देखें। इसको हम अचार के साथ, चटनी के साथ, रायते के साथ, मतलब किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। तो अभी मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। आपने देखा कि किस तरह से मैंने मसूर की दाल की खिचड़ी बनाई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसमें आप रायता सलाद में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और इसमें इस तरह आप अचार भी डाल सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि कैसे बनी है मसूर की दाल चावल की खिचड़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।